अरे हमारे गांव में दोस्तों एक ना भिखारी था जो उसके सभी साथियों को भीख मांगने से रोकता था। ये क्या भीख मांगता है रे चिन्नी, अपने अपने दम पे कुछ काम कर। हाँ भीख मांगना बंद कर। और वो टाइम टू टाइम रेलवे स्टेशन पे जाके भीख मांगता था सुमड़ी में, और बाकी जो रस्ते पे भीख मांग रहे थे भिखारी उनको बहुत मारता था, उनको धमकियां देता था कि भीख मांगने का नहीं बोला तो नहीं, भीख मांगना गलत है। ऐसा एक भिखारी था। कहानी खत्म दोस्तों। मेरे पास एक भिखारी का दोस्त भी था, और भिखारी का दोस्त है ना वो इतना सोफिस्टिकेटेड दिखता था, लेकिन भिखारी का दोस्त है ना वो एयरपोर्ट के बाजू में जाके भीख मांगता था, किसी को पता ही नहीं चलता था, एकदम स्टैंडर्ड भिखारी। ऐसे मेरे दो अच्छे भिखारी दोस्त थे। कहानी खत्म। गजब बेइज्जती है, तमाम बहुत अच्छी कॉमेडी थी श्रीमान। और बॉय बेस्ट, बाप रे, आज ये स्टोरी सुन के मैं मंत्र मुग्ध हो गया, क्योंकि ये भिखारी की फीलिंग मुझे ही आ रही है, क्योंकि उसमें मैं ही ज्यादा दिखाई दे रहा हूँ मुझे।